हमने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सपर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम आ चुके हैं अमरकंटक, आज हमारा दूसरा दिन है और अब हम पहुंच चुके हैं सोनमुड़ा। और सोनमुड़ा पे लगभग ये अपने जो मुख्य मंदिर है नर्मदा उद्गम स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे ये एक स्थानीय है जहाँ सोनभद्र और जी छलांग लगा दिए थे जब इनकी शादी और विवाह की बहुत पुरानी गाथा और कहानी है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सोनमुड़ा के मेन मंदिर। सोनमुड़ा है, सोन नदी का उद्गम स्थल है, भद्र नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी 10,000 साल यहाँ तपस्या किए हैं। और सोन से शादी होने वाली थी नर्मदा जी से। और जो ज्वालेश्वर माँ जो मंदिर है वहाँ कुआ है जो जोहिला का उद्गम स्थल है। और नर्मदा जी जोहिला को शादी के मंडप देखने के लिए भेजाती है कपड़े देके। तो देवता लोग क्या करते हैं, जोहिला से सोन से शादी बना देते हैं और नर्मदा जी नाराज होकर पश्चिम जाते हैं और सोन पूरब जाते हैं, ये मुड़ के जाते हैं, इसलिए सोनमुड़ा नाम आया इसका। माई का मड़वा जंगल में है। और जो शादी के मंडप में जो भी आटा लोहे जो भी है सामान वो पत्थर के रूप में वहाँ दर्शन देता है। और जोहिला है, जोहिला का और सोन का संगम आपको उमरिया जिला दशरथ घाट में होता है, इन दोनों का संगम। और यहाँ से सोन बचनवार यहाँ से लुप्त हो जाती है सोन, फिर वहाँ से आपको सोन 60 किलोमीटर आगे सोन बचनवार गांव है, वहाँ से सोन का फिर उद्गम स्थल होता है। फिर वहाँ से बहुत भयंकर रूप से बिहार में 6 किलोमीटर लंबी पुल है, बताते बिहार वाले, और चलने में 2 घंटा लगता है। और ये बारिश में ना बहुत भयंकर बाढ़ आता है, बहुत भयंकर नुकसान होता है। दोस्तों यहीं से ये सोन उद्गम कुंड है, यहीं से सोन नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा श्री सोन का उद्गम स्थान कुंड निर्माण लिखा हुआ है और श्री महंत बालकेश्वर गिरी की कृपा से ये सोन नदी का यहाँ इस जगह का थोड़ा सा संरक्षित किया गया है। और ये देखेंगे आप, चलिए मैं आपको अंदर की ओर ये दोस्तों। और ये है सोन सेन जी भैरव बाबा, और इसी भैरव बाबा के सामने आपको देखने को मिलेगा यहाँ हनुमान जी की छोटी सी एक पत्थर में एक चिन्हांकित की गई है और साथ ही यहाँ हनुमान जी विराजमान किए गए हैं। तो आपको कुछ छोटे छोटे आपको जड़ी बूटी देखने को मिलेगा जहाँ कुछ भी सामान या जड़ी बूटी की खरीदारी और यहाँ शिव जी के शिवलिंग कुछ इक्विपमेंट कुछ भी सामान या फिर यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ सोन एवं भद्र का संगम क्षेत्र है ये, तो इससे ये इस जगह को दिखाने से पहले मैं आपको भद्र जी का दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों ये है भद्र पुरुष उद्गम क्षेत्र जहाँ से ये यहाँ से भद्र जी का उद्गम क्षेत्र है, यहीं से ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुआ होते हैं और ये दोनों मिलकर एक संगम बनाते हैं। तो चलिए मैं इनका संगम स्थल आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है सोन, देखेंगे सोन एवं भद्र का संगम स्थल है, यहाँ से सोन और भद्र दोनों का संगम होता है और यहीं से अपना बहना स्टार्ट करते हैं और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर की ओर दिखाता हूँ कि अंदर चल क्या रहे हैं। और अंदर आप देखेंगे तो सिक्के भी यहाँ से जो मान्यता के हिसाब से सिक्के उक्के भी डालते रहते हैं और यह दोनों मिलकर संगम होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से जो आ रहे हैं सोन सोन जी का मान है जहाँ से सोन सोन जी आ रहे हैं और वहाँ से आते हैं भद्र, वहाँ एक नली लगी हुई है वहाँ से आते हैं और दोनों मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं बंगाली खाड़ी की तरफ। आगे आएंगे तो यहाँ भी आपको हनुमान जी देखने को मिलेंगे, साथ ही यहाँ आपको है शनिदेव महाराज और यहाँ है शिव जी की शिवलिंग और इसके सामने कृष्ण हनुमान जी की एक मस्त पत्थर में ऐसे लगाया गया है जिसमें नीचे लिखी भी हुई है कि मनौती है तो सिक्का चिपकाएं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ हमको बाबा जी लोगों से हम लोग जानकारी प्राप्त की और उन्होंने बताया कि सोनभद्र दोनों का संगम इस क्षेत्र होने के बाद आप थोड़ी आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जैसे वहाँ से छलांग लगा दिए हुए हैं और
चलिए हम इस मंदिर से थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि वो जैसे यहाँ के जो संगम क्षेत्र हैं वो कैसे छलांग लगाए हैं और यहाँ की जो हाई हील है वो कैसे दिखता है। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों अब आएंगे तो कुछ आपको कुछ सीढ़ीज मिलेंगे जहाँ से आप आ सकते हैं, चल सकते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे पीछे मंदिर है और यहाँ से नदी बहती है और ये यहाँ कुछ मंदिर भी है सामने, तो वहीं हम लोग आप चलते हैं और दिखाते हैं उस जगह का। और नीचे आपको व्यू पॉइंट भी है बहुत ही खूबसूरत सा, तो लेट्स गो। देखिए क्या खूबसूरत जगह यार। बहती है भाई पानी, सोनभद्र या उद्गम क्षेत्र है यार। और जैसे आएंगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक व्यू पॉइंट या बैठने की व्यवस्था भी गई है और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा नीचे का व्यू। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं व्यू पॉइंट पे जहाँ से आप अमरकंटक से पूरे क्षेत्र को देख सकते हैं, जैसे अपना पिंडा गोरेला पिंडा मरवाई ये सब कुछ देखने को मिलेगा, प्लस अमरकंटक का भी और यहाँ से माइकी बगिया और भी चीज़ें दिखते हैं। लेकिन ये है बाबा व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत। और यहाँ से उद्गम क्षेत्र से जो पानी गिरती बहुत ही खूबसूरत दिखता है भाई। हाँ देखो अगर यहाँ से हमारी कैमरे गिरी तो वो मिलेगा नहीं दोबारा, बहुत ही खूबसूरत जगह। व्यू पॉइंट के साथ साथ यहाँ पानी का क्या बहुत खूबसूरत जगह है यार। और यहाँ से जब गिरती है तो यार देखने में कितना अच्छा लगता है। और देखेंगे ये है सोन उद्गम और सोनभद्र उद्गम स्थल। और यहाँ का आप देखिए वाटर क्या लहराते हुए मस्त खूबसूरत सा निकलते जा रहा है। और यहाँ वो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो समाधि लिए हुए अभी भी है यहाँ, जिनकी अभी मूर्ति से बना दी गई है। तो चलिए हम आपको समाधि के पास लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। जैसे यहाँ इनका बाहरी बताया गया जैसे सिद्धि समाधि एवं सिद्धि मुनि तपेश्वरी नागा बाबा और महंत शंभु गिरी सिद्ध समाधि। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे शंभु गिरी जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो हमारे पीछे देखेंगे बैठने की व्यवस्था, जैसे बारिश उसके भी आ जाता है तो बारिश के समय में इन लोग स्टे रखने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया जहाँ वो अपना रुक सकते हैं। और हमारे पीछे देखेंगे जो समाधि यहाँ के जो ऋषि मुनि के द्वारा समाधि किया जाता था वो इस जगह पर समाधि किए हुए हैं। और ये है स्टोन कुंड जहाँ से ये आपको हमें पता ही था कि जैसे कि यहाँ से सोन जी और सोनभद्र सोन मिल के एक जगह छलांग लगा लिए तो वो ये जगह है। और यहीं से वो निकले थे सोन बछवाड़ जो पेंडा से उद्गम क्षेत्र ही माना जा रहा है और साथ में मेन उद्गम क्षेत्र ये है। तो ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
We'll be right back.